नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के गोरेगांव में स्थित वीनस क्रिकेट ग्राउंड में युवा समिति ददिज समाज द्वारा ददिज प्रीमियर लीग DPL 2019 का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ली थी। जीते हुए विजेता को एक बड़ी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मतलब मुहावरे के हिसाब से एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि गिरते हैं मैदाने जंग में वो साहिब सवारी, वो तुल भी क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। ये पूरा टीम एफर्ट था, कोई भी इंडिविजुअल वर्क नहीं था। पिछले 15-20 दिनों से पूरी टीम ने जो मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, उसका नतीजा है। और जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे से काम आई है। जो भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी की थी, मतलब सबसे मेन स्ट्रेटेजी हमारी ये थी कि जो जैसे ही टॉस जीतेंगे और फर्स्ट बॉलिंग लेनी है, और तीनों मैच में हम लोगों ने फर्स्ट बॉलिंग ली है और हर मैच में हम लोगों ने 30 से 35 के बीच में लोगों को रोका है, और उसके बाद में ये चेजिंग ईजी हो गया था हमारे लिए। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारी जीत का। टीम मेंबर्स में मतलब बेस्ट बॉलिंग मिला है, बेस्ट बैट्समैन मिला है, मैन ऑफ द मैच मिला है, मैन ऑफ द सीरीज मिला है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रॉफी है सब हमारी टीम को मिली है, जिसमें सुमित भाई है और कुलदीप है और सुमित है। तो इन सब ने मिलके मतलब बहुत अच्छे से एफर्ट डाले और जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल था। ये पिछले 15 दिनों से हम लोग डेली मॉर्निंग 7 बजे से 9:30 बजे तक 9 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे थे, और सब लोग आज के डेट में वर्किंग है, कोई भी मतलब फ्री नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मतलब खुद का कीमती टाइम निकाला और सब लोगों ने एफर्ट्स डाले, और उसी का परिणाम है ये। वेरी गुड। सबसे पहले तो जो ये श्रेय है जो ऑर्गेनाइजर है, और सेकंड ऑफ जो हमारे टीम ओनर है, उन्होंने हम पर अतुल सर ने हम लोगों पे भरोसा दिखाया और हम लोग ने पूरा हमारा 100% दिया और आज हम लोग ट्रॉफी के हकदार हैं। देखिए अतुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी टीम का विजय प्राप्त? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनमें पूरा कॉन्फिडेंस था और हमने सपोर्ट किया, और इसलिए मैंने एक दिन पहले ही इनके सबके ऑटोग्राफ ले लिए मिनी बैट पे कि भाई बाद में स्टार बन जाओगे तो फिर बाद में पहचानोगे नहीं, तो इनका कॉन्फिडेंस डबल हो गया। हाँ, और इन्होंने पसीना बहाया है, खूब मेहनत करी है, तो मेहनत का रिजल्ट आता ही है, इसमें कोई बात ही नहीं। आप क्या इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे आगे चल के, किस मुकाम तक ये लोग पहुंचे? बस जंग लड़ते रहो, विजय होती रहेगी, और क्या है। जो भी है, एक खेल एक जंग के तरह से है, बाकी अपने दादी जीता है और दादी जी खेला है, ये सब सबसे। हाँ, जैसे कि आप इस उम्र के पड़ाव में, तो और भी जो युवा हैं फील्ड पे मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही कहता हूँ कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और नदी किनारे बैठे नैया पार नहीं होती।